खबर रीवा से है, जहां शासन के द्वारा पुराने बस स्टैंड में व्यावसायिक वाहन चालकों के नेत्र परीक्षण का मुफ्त शिविर आयोजित किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में व्यावसायिक वाहन चलाने वाले चालकों के द्वारा जांच पड़ताल कराई गई। इस दौरान चिकित्सकों के द्वारा नेत्र से जुड़ी बीमारियों के संबंध में जानकारी दी गई। वहीं जिन चालकों के निकट और दूर दृष्टि दोष पाए गए, उनके लिए चश्मे लगाने की सलाह दी गई है। जांच के दौरान यातायात थाना प्रभारी दिलीप तिवारी के साथ बस मालिक और पुलिस कर्मी समाज से भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में ज्यादातर व्यावसायिक वाहन चालकों की आंखों में देखने की होने वाली परेशानियों के चलते भी घटनाएं घटित होती हैं। उन घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने नेत्र जांच शिविर लगाया है। बिना आधार कार्ड हो ना, कोई दिक्कत आंख से संबंधित किसी भी तरह की? आंख से पानी वानी तो नहीं आता? आंख जलती तो नहीं है? विश्वविद्यालय